2002 गुजरात कांड के बाद पहली बार मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर बुरी तरह घिर गए हैं मोदी। जिसका डर था वही हुआ। अमेरिका ने दिखा दिया अपना असली रंग। भारत से दोस्ती का ढोंग दिखाकर मोदी पर कर दिया पलटवार। दोस्तों, भारत में करल थापड़ के बाद आज तक किसी पत्रकार ने मोदी पर खुलेआम मुस्लिम समुदाय के साथ हो रहे भेदभाव पर सवाल खड़े नहीं किए थे। लेकिन अमेरिका से मोदी को लौटे हुए एक सप्ताह भी नहीं हुआ, तब तक व्हाइट हाउस ने भारत के खिलाफ जहर उगल दिया है। अमेरिका की सनकी रवैया को देखते हुए अब लग रहा है कि मोदी का US दौरा भारत के लिए काफ़ी महंगा पड़ गया है। यह वही अमेरिका है जिसने कई वर्षों तक मोदी को US वीजा देने से साफ मना कर दिया था। जो वही अमेरिका है जिसने भारत को न जाने किन किन मामलों में हमेशा प्रताड़ित करते आया है। बात चाहे कारगिल युद्ध की हो या फिर 1962 युद्ध की, अमेरिका ने भारत की कभी भी खुलकर मदद नहीं की। आज के दौर में वह भले ही आगे से दोस्ती का ढोंग पीट रहा है, लेकिन उसके पीछे हर पल धोखेबाजी का खंजर मौजूद है। इन्हीं कारणों से भारत खुलकर अमेरिका पर कभी भी विश्वास नहीं कर पाया है। अमेरिका बार बार भारत के सामने झुकता है, लेकिन वह अपनी अकड़ से बाज नहीं आता। अमेरिका पहले मोदी के सामने अकड़ दिखा रहा था, लेकिन मुसीबत पड़ते ही वह मोदी को स्पेशल डिनर के लिए बुलाता है। और जैसे ही मोदी ने बड़े बड़े डील पर साइन कर दी, उसके बाद फिर से अमेरिका ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। ओबामा और विंस्टन चर्चिल जैसे नासमझ लोगों ने हमेशा भारत को एक नाकामयाब देश बताया। उनका मानना था कि भारत एक दिन बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, लेकिन भारत ने अपने सांस्कृतिक और काबिलियत के इतिहास से बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं की बोलती बंद कर दी। जब मोदी अमेरिका में थे, उसी वक्त कुछ नेगेटिव मुस्लिम ताकतों ने पाकिस्तान और तुर्की के इशारों पर मोदी को बदनाम करने की भरपूर कोशिश की। ये वही लोग हैं जो भारत की तरक्की से जल जाते और मोदी को देखना तक नहीं चाहते। इनका सपना है कि भारत भी पाकिस्तान की तरह कंगाल रहे, भारत तरक्की ना कर सके। इसी वजह से ये लोग भारत के खिलाफ कीचड़ उछालने का काम करते और इस्लाम के नाम पर भारतीय एकता को तोड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक देते। लेकिन यह भारत अब पुराना भारत नहीं जो दूसरों की सोच से अपनी यात्रा तय करेगा। भारत के लोग सोशल मीडिया के माध्यम से मुंहतोड़ जवाब देना सीख गए। मोदी से विवादित इस्लामिक सवाल पूछने वाली महिला पत्रकार का बुरा हाल हो गया है। सोशल मीडिया पर लोगों ने खींच ली है उसकी खाल। पत्रकार को छटपटाते देखकर बचाव में कूदा पूरा व्हाइट हाउस। क्या प्रेस की आज़ादी को लेकर अमेरिका ने मोदी को लगाई फटकार? भारत भी कर सकता है बड़ा धमाका। कई मामलों में भारत ने अमेरिका को धूल चटा दिया है, लेकिन इसके बावजूद आज भी अमेरिका भारत को नसीहत देने में पीछे नहीं रहता है। आज पूरी दुनिया में कोई भी देश अमेरिका की दादागिरी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सऊदी अरब से लेकर साउथ कोरिया और जापान तक सबके सब अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहे हैं। ऐसे में अमेरिका भारत को एक सस्ता शिकार बनाना चाहता है, लेकिन भारत पहले से ही बेहद सतर्क है और यह नया भारत मोदी के नेतृत्व में कभी भी अमेरिकी झांसे में आने वाला नहीं है। मोदी से तीखे सवाल पूछने वाली महिला पत्रकार पर भारत में बढ़ते बवाल को देखते हुए अमेरिका ने कहा है कि भारत को यह बखेड़ा बंद करना चाहिए। अमेरिका ने भारत को धमकी देते हुए कहा है कि हम भी दुनिया के बहुत बड़े लोकतंत्र हैं और हमने आज तक किसी भी पत्रकार को ऐसे जलील नहीं किया। अगर भारत पत्रकारों को ऐसे ही जलील करता रहा तो एक दिन वह सच्चा लोकतंत्र नहीं बच पाएगा। आखिर मोदी क्यों पत्रकारों के खिलाफ इतना सख्त रवैया रखते हैं? आखिर वह कौन सा राज है जो मोदी बताने से हमेशा डरते हैं? यह सवाल पूरा भारत जानना चाहता है कि 9 साल बीतने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की। दोस्तों, आप नीचे कमेंट में बताइए कि क्या पीएम मोदी को भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए या फिर नहीं। अमेरिका ने कहा है कि अगर मोदी सच में एक महान नेता है तो उन्हें और उनके समर्थकों को पत्रकारों की इज्जत करनी सीखनी चाहिए। खुद अमेरिका पूरी दुनिया में मुसलमानों पर बम बरसाता है, मानव अधिकारों की धज्जियां उड़ाता है। अमेरिका में ब्लैक लोगों के साथ क्या होता है यह बात तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जैसे ही बात भारत की आ जाती है तो यहाँ की एकता उसे बर्दाश्त नहीं होती। उसे यकीन नहीं होता है कि आखिर इतना विशाल देश इतनी बड़ी डाइवर्सिटी के साथ कैसे चल रहा है।
अमेरिका ने पूरे मिडल ईस्ट में बमबारी करके और फूट डालकर अरब देशों को बर्बाद कर दिया। अब उसकी नज़र धीरे धीरे भारत की तरफ भी पड़ रही। क्या अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुरी तरह फंस गए हैं पीएम मोदी? क्या बाइडेन ने जानबूझकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी ताकि मोदी को फंसाया जाए? क्या बाइडेन के इशारे पर मुस्लिम महिला पत्रकार ने मोदी से पूछे थे तीखे सवाल? इन सभी सवालों पर आप क्या सोचते हैं? आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। प्रधानमंत्री होने के बावजूद आखिर किससे डरते हैं मोदी? आज उनके कंट्रोल में ईडी, सीबीआई के साथ सारी एजेंसी, लेकिन फिर भी वो खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्यों डरते हैं? अमेरिका ने मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आखिर क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में कांपने लगती है मोदी की रूहें? अगर वह एक सच्चे लोकतंत्र के महान नेता हैं तो उन्हें पत्रकारों के तीखे सवालों का सामना करना चाहिए। अगर वह पत्रकारों के सवालों से बचेंगे तो यह अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यह कायरो के लक्षण है। अमेरिका पहुंचे मोदी से मुस्लिम पत्रकार ने पूछा कि आप भारतीय मुसलमानों पर बुलडोजर क्यों चला रहे हैं? आखिर क्यों भारत में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया जाता है? क्या भारतीय मुस्लिमों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर पीएम मोदी की गुहार लगी होती? अमेरिकी पत्रकार ने मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन आपके मन में अल्पसंख्यकों के खिलाफ केवल नफरत भरी हुई। आप अपने आलोचकों को देखना नहीं चाहते। इसके साथ ही आपने एक एक करके सभी सवाल पूछने वालों का मुंह बंद कर दिया है। पत्रकार ने हमला करते हुए आगे कहा कि आज आप व्हाइट हाउस के मेहमान बने हुए हैं, जहां दुनिया भर के कई बड़े नेताओं ने लोकतंत्र की रक्षा की शपथ ली। इसलिए यहां आकर आज आपको भी यह संकल्प लेना चाहिए कि आप भारत में अल्पसंख्यकों, मुस्लिमों के खिलाफ भेदभाव या उनके उत्पीड़न नहीं करेंगे। इन सभी इनडायरेक्ट सवालों को सुनकर पीएम मोदी आग बबूला हो गए थे और वह बोलने में लड़खड़ाने लगे थे। करण थापड़ के बाद पहली बार मुसलमानों को लेकर पीएम मोदी से किसी पत्रकार ने इतना तीखा सवाल किया था। एलसीडी मोदी की जुबान फड़फड़ाने लगी थी और वह किसी तरह खुद को संभालते हुए इस कठिन प्रश्न का जवाब देना शुरू किया और कहा कि भारत एक सच्चा लोकतंत्र है। मोदी ने धीरे धीरे अपने शब्दों की बांध से उस महिला पत्रकार की बोलती बंद कर दी, लेकिन मोदी के भारत वापस लौटते ही सोशल मीडिया पर पत्रकार पर टूट पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक दिन बाद पत्रकार को मोदी से सवाल पूछने के लिए सोशल मीडिया पर कोसा जाने लगा और कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि वह पूर्व नियोजित तरीके से सवाल पूछ रही थी। कुछ ने तो महिला पत्रकार को पाकिस्तानी इस्लामिस्ट कहा। ज्यादातर लोगों ने कहा कि वह एक पाकिस्तानी एजेंट है जो इल्हान उमर की खास है। महिला पत्रकार की उत्पीड़न को देखते हुए अमेरिका ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि हमें उस उत्पीड़न की खबरें मिली या अस्वीकार्य है और हम किसी भी परिस्थिति में कहीं भी पत्रकारों के किसी भी तरह के उत्पीड़न की कड़ी निंदा करते या लोकतंत्र के उन सिद्धांतों के लिहाज से अनैतिकतापूर्ण है। सिद्दकी के सवाल के जवाब में मोदी ने लोकतंत्र के मामले में भारत के रिकॉर्ड का पुरजोर बचाव करते हुए कहा था कि उनकी सरकार का मूल आधार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। उन्होंने कहा था कि भारत एक लोकतंत्र है और जैसा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है, हमारी रगों में लोकतंत्र है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जा-पियरे ने कहा कि हम व्हाइट हाउस में इस प्रशासन के तहत प्रेस की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए हमने पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा था।